आएगा जब आएगा सवेरा। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या हाल चाल है बच्चे? हाँ जी, सब लोग बताएंगे फटाफट से। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून रिया, सुरभि, प्रीति, कमलेश, युक्ता, नितिका, शिखा, कोमल, सदा, आंचल। वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति, पूजा, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ जी, फटाफट से बताएंगे सब लोग कैसे हैं आप सब लोग। तो युक्ता कहती सर ऐसे सॉन्ग मत लगाया करो। क्यों? क्योंकि ये पार्टी करने का मन हो जाता है। ओहो, इसीलिए तो देखो मैं तुमको बताऊँ, ये ऐसे सॉन्ग इसलिए लगा के देता हूँ जैसे कि ना तुम मोटिवेटेड इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहो कि बस एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, फटाफट से अच्छे से एग्ज़ाम निकालें और उसके बाद पूरा मस्त इन्जॉय करेंगे। नहीं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। शिखा कहती है ओहो, शिखा कहती है सर आपने 5 बजे का टाइम दिया था, शेड्यूल चेंज कर दिया। बताओ शिखा, आज अगर हम शेड्यूल चेंज ना करते ना तो हमारी क्लास ही कैंसिल हो जाती, और आज अब इसी प्रेजेंट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे क्लास को कैंसिल करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये। तो क्लास को अफोर्ड करना इट्स हाईली रिस्क, आज इसी टाइम पे क्लास को कैंसिल करना इट्स हाईली रिस्की। तो इस वजह से मैंने कहा चलो टाइम ऊपर नीचे कर लेते हैं बट कैंसिल नहीं करेंगे, है ना। ऑल्दो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आज बहुत सारे बच्चों के लिए क्लास लाइव अटेंड कर पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, रीज़न बीइंग क्योंकि वो 5 बजे को लेकर प्रिपेयर होंगे और एकदम से रैंडमली 3 बजे हो गया सर। हाँ यही तो आकांक्षा, एग्ज़ाम के बाद 31st को इंतज़ार करो, 31st का याद करो, सोचो 31st को हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो भी एक मोटिवेशन का सोर्स है
क्यों? क्योंकि हमने इंजॉय करना है सर, जल्दी जल्दी से अपने पेपर निकालने हैं, अच्छे से अपियर होना है, इतने अच्छे से पेपर देने हैं कि 31st को जब पेपर देकर आए, हम सारे पेपर लास्ट कंप्लीट करके आए तो ऐसा लगे ओ भाई क्या जबरदस्त पेपर हुए, अब तो फुल इंजॉय करेंगे और क्या। बिल्कुल सर, चलिए 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 चलिए। तो लास्ट क्लासेस में सर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके थे, लगभग लगभग हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट में 3 steps तो ऑलमोस्ट कवर अप कर लिए थे। एक हम लोगों ने कर लिया था रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एक रिस्क एनालिसिस और एक हम लोगों ने किया था रिस्क मिटिगेशन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। बिल्कुल सर ध्यान है। आज इस पर्टिकुलर क्लास में अब हम लोग इसी पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले आज वाली क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ और डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और आज वाली क्लास में लगभग लगभग बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर हमको एक क्लास और लेनी पड़ेगी तो नेक्स्ट क्लास इट्स गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर की और कोई क्लास नहीं रखेंगे। साथ ही साथ मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर दिए हैं और क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रिपेयर कर दिए हैं सर इस चैप्टर के, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इस पर्टिकुलर चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सर, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आज क्लास है रिस्क की। यस, आज क्लास है रिस्क की। बिल्कुल, तो आज वाली क्लास में हम लोग अच्छा खासा इंपॉर्टेंट कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे सर। और इसके बाद आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जो क्वेश्चंस रह जाए वो हम क्वेश्चन आंसर्स में कंप्लीट कर लें, रिवीजन क्लास हमको ना करनी पड़े, है ना सर। चलिए, बस आज एक और क्लास है, बस आज एक और क्लास है। नेक्स्ट क्लास मेरे को नहीं लगता मेरे को लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अच्छा खासा कंटेंट अभी यहीं कंप्लीट करा दूंगा, अगर कुछ रह जाएगा तो हम क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, अभी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज और डिस्कस कराने हैं सर, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। बिल्कुल सर, हाँ जी, तो स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को, आइए स्टार्ट करें सर आज की क्लास को। अभी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब ज्वाइन करेंगे। सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर इस चैप्टर में, दैट व्हाट इज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट सर इस वजह से भी हो जाता है, ये 5 marks में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है क्या, क्योंकि सर इसके प्रोविजन सेक्शन 143 में कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 भी फ्रॉड से रिलेटेड बातें करता है और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है एक पर्टिकुलर फ्रॉड को लेकर। अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन 143 का सबसेक्शन 12 इस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में बात करता है। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक कर दूं तो सेक्शन 143 का सबसेक्शन 12 इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करता है। हाँ, रिस्क असेसमेंट रहेगा नीरज, मेरे को याद है, बिल्कुल याद है मेरे को बच्चे, बिल्कुल याद है, बट वो अभी कंपैरेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि हम इंपॉर्टेंट कंटेंट पहले कंप्लीट कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए अभी के लिए। बिल्कुल सर, सर जब हम बात करते हैं फ्रॉड की, किसकी बात करते हैं सर, फ्रॉड की, तो होता क्या है सर, फ्रॉड कुछ नहीं है सर, फ्रॉड एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन है सर जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है जो लोगों से वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बिना बताए ऑर्गेनाइजेशन के कैश बैलेंसेस में, ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग एंट्रीज में वो मैनिपुलेशन कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, हम ऐसे कहते हैं सर कि जो फ्रॉड होता है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत रिस्की सिचुएशन होती है, क्योंकि सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डेंट डाल के जाता है, दाग दाग के चला जाता है, धब्बा डाल के चला जाता है। सर जो ये डेंट होता है ना, ये डेंट एक नुकसानदायक डेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को एडवर्सली अफेक्ट करता है। इस रीजन की वजह से इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को डिटेक्ट करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना लेट वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी डिटेक्ट होगी उतना आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो नुकसान पहुंचाकर जा चुकी होगी। सर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है और वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी टाइम पर पता लग जाए तो एक्चुअल में सर हम ऑर्गेनाइजेशन के फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के इम्पैक्ट को बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर फ्रॉड बहुत सालों से होता चला आ रहा है और अब हमको पता लग रहा है, तो सर वो ऑलरेडी हमारी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा चुका होगा।
इसलिए सर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के रिस्क को मैनेज करना। अब फ्रॉड रिस्क की जब हम बात करते हैं ना, तो फ्रॉड रिस्क का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कंडक्ट हो जाए, एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कमिट हो जाए बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम इस पर्टिकुलर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को होने से रोकें, इस पर्टिकुलर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को होने से रोके। वॉइस तो ठीक आ रही है, हाँ वॉइस तो ठीक है बेटा, वॉइस बिल्कुल प्रॉपर है बच्चे। वॉइस तो बिल्कुल ठीक आ रही है बेटा, वीडियो रुक रही है। एक बार प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लेंगे आप लोग, प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए फिर स्टार्ट कर लेंगे, है ना। एक दो मिनट का टाइम, एक आधा मिनट देखिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी चलो आओ करते हैं। सर ध्यान से देखिएगा, एक लाइन बोली जाती है सर फ्रॉड के लिए कि जो फ्रॉड होता है ना सर, फ्रॉड इज नॉट यूजुअली डिटेक्टेड until and unless it is unearthed। ये क्या स्टेटमेंट कहते हैं सर, समझिएगा। कहते हैं सर जो एक फ्रॉड होता है ना, जो एक फ्रॉड होता है ना सर, समझिएगा, इसको हम डिटेक्ट करते ही नहीं है सर, इसको हम ढूंढते नहीं है सर, समझिएगा। कह रहे हैं सर एक फ्रॉड कभी आपको अपने आप मिलता ही नहीं है सर, आप समझिए। हम इसको अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, खोद के निकालने की कोशिश करेंगे, तो सर हमको ये मिलेगा। अगर हम ठान लेना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की चेकिंग करें और देखें कि उसमें कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हम ढूंढ लेंगे सर कि उसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमको अपने आप पता लग जाएगा, तो सर ऐसा शायद नहीं होने वाला। इस चीज को हमको समझना होगा, क्योंकि अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है तो जो पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है सर, वो बहुत सोच समझ के कर रहा होगा। अगर वो सोच समझ के नहीं कर रहा तो वो अपने आप सबके सामने आ जाएगी। लेकिन सर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत प्लान मैनर में एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सर आपको उसको खोद के निकालना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, तभी वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी सबके सामने आएगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर हम लोगों को बोला जाता है कि सर एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए, इस फ्रॉडलेंट रिस्क की एक्टिविटी को, इसकी परफॉर्मेंस को रोकने के लिए सर हम लोगों को एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट से भी इंपॉर्टेंट है सर, ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, कि इस पॉलिसी में क्या क्या होगा सर, समझिएगा सर। सर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रमोट करें, टू प्रमोट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, टू प्रमोट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कल्चर। और यहीं रुक जाएंगे सर हम, यहां हाईलाइट करेंगे सर कम्युनिकेशन कल्चर। कम्युनिकेशन कल्चर क्या है सर? एक्चुअल में हमको ऐसे समझना होगा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितना कम्युनिकेशन चैनल स्मूथ होगा, उतनी पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कम से कम होंगी। क्योंकि सर अगर कम्युनिकेशन एक अच्छे मैनर में हो रहा है, दो अथॉरिटीज के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं है, टॉप लेवल मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट इनके बीच में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन गैप,
अभी देखेंगे बच्चे, अभी आवाज़ आ रही है। अभी देखेंगे जरा सब लोग, अभी आवाज़ ठीक आ रही है आप सब लोगों को? हाँ जी सर, करता हूँ मैं कुछ नींबू मिर्ची का इंतज़ाम करता हूँ, है ना सर? नींबू मिर्ची का इंतज़ाम करता हूँ सर, बैटरी के अलावा नींबू मिर्ची का भी इंतज़ाम करता हूँ। नज़र लग जाती है सर हम लोग को, नहीं? हाँ जी, आइए सर देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं सर कि एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए सर। अगर एक ओपन कम्युनिकेशन कल्चर होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से ओपनली कम्युनिकेट कर पाएगा, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कम से कम हो जाए, और अगर हो भी रही हैं तो इट विल बी टाइमली रिपोर्टेड। बिल्कुल ठीक है सर। पॉइंट नंबर टू, प्रमोट जीरो टॉलरेंस, प्रमोट जीरो टॉलरेंस टू फ्रॉड। मान लीजिए सर, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है, तो आप बिल्कुल टॉलरेट ना करिएगा सर उस एक्टिविटी को, उस पर्सन को। जीरो टॉलरेंस की वजह से सर होता क्या है? जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि एट एनी कॉस्ट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव दैट पर्सन हु हैज कमिटेड सच फ्रॉड। इससे होता क्या है सर, इससे एक एग्जाम्पल सेट होता है कि देखो इस पर्टिकुलर पर्सन ने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ, इस वजह से अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया। समझ जाइए अभी, क्योंकि अगर कल को आपकी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी पकड़ी गई तो शायद आपके साथ भी सेम यही एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, सेम इसी तरीके से आपके साथ भी बर्ताव किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थर्ड नंबर, इनकरेज एम्प्लॉइज, इनकरेज एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट सस्पिशियस, इनकरेज एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट सस्पिशियस केसेस ऑफ फ्रॉड। सर समझिएगा, जब भी कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही होती है, तो सर ज्यादातर अगर हम बोलें कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी सबसे पहले किसके सामने आती हैं सर, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के जिस डिपार्टमेंट में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसी डिपार्टमेंट के इम्प्लॉयज़ को सबसे पहले इसके बारे में पता लगता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत बाद में पता लगता है सर, सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल वर्किंग पे जहाँ एक्चुअल में फ्रॉड हो रहा है वहाँ के इम्प्लॉयज़ को सबसे पहले इसकी भनक पड़ती है। तो यहां पे बोला जा रहा है सर कि आप अपने इंप्लॉइज को इनकरेज करिए, उनको बताइए कि किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में इल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो सकती हैं, किस तरीके से फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती हैं, जिससे कि उनको अगर किसी भी ऐसी एक्टिविटी का शक होता है, सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आती है, तो वो तुरंत के तुरंत उसको क्या करे, रिपोर्ट करे। क्या करे बेटा? रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करे। ठीक सर। देन कम्स अगेन लास्ट द पॉइंट नंबर फोर, दैट इज स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट एम्प्लॉइज एंड एजुकेट देम, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट एम्प्लॉइज एंड एजुकेट देम, एंड एजुकेट देम ऑन रिस्क फेस्ड बाय कंपनी। अवेयरनेस स्प्रेड करिए सर, ज़्यादातर इम्प्लॉयज़ को बताइए कि फ्रॉड रिस्क होता क्या है, और उनको बताइए कि इस पर्टिकुलर रिस्क की वजह से कंपनी के लिए क्या नुकसान हो सकता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या नुकसान पहुंच सकता है जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स को इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये है सर आपकी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, समझिएगा इसको। ठीक है बेटा, चलिए। अब इसके बाद सर, अभी हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ और इंक्लूड होती है सर, अगर हमसे बोला जाए कि रिपोर्ट कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि कंपनीज एक्ट 2013 में किस तरीके से फ्रॉड की रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया, और यहीं पर आ जाता है सर हमारा सेक्शन 143, यहीं पर सर हमारा क्या आ जाता है, सेक्शन 143। और सेक्शन 143 वैसे तो सर इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन हमको सबसेक्शन 12 करना है। कौन सा सेक्शन करना है सर? सबसेक्शन 12, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12।
सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 से लेकर के सबसेक्शन 15 तक इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की रिपोर्टिंग की बात की जाती है, और यहाँ पे एक रूल भी पढ़ा जाता है सर, रूल नंबर 13। क्या कौन सा रूल पढ़ा जाता है? रूल नंबर 13। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड रेड विद सेक्शन रेड विद रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 कौन सा होगा? तो समझिएगा सर, ये सेक्शन 143 है, और सेक्शन 143 अगर आप लर्न करने का तरीका समझें तो 139 से लेकर 148 तक चैप्टर नंबर 10 होता है सर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और चैप्टर नंबर 10 है सर ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और जो चैप्टर की हेडिंग है सर वही रूल्स की हेडिंग है, और रूल्स क्या बन जाते हैं फिर कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014। तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए सर कि कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं किस पर्टिकुलर प्रोविजन पे या किस पर्टिकुलर सेक्शन पे कौन सा रूल लगता होगा। चैप्टर वाइज याद करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, चैप्टर का नाम याद रखेंगे रूल अपने आप याद हो जाएगा सर, बहुत अच्छी बात है। सर जब हम फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के केसेस के बारे में कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं तो यहाँ कंपनीज एक्ट में सर इन केसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो। अच्छा मैं यहाँ पे आपको सेक्शंस वगैरह लिखवाने नहीं जा रहा, मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बनवाऊंगा सर, बस वो चार्ट एक पेज का चार्ट बनेगा एंड दैट विल बी मोर देन इनफ, आपको पूरा सेक्शन पूरा रूल सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। सर यहाँ पे जो फ्रॉड है सर वो दो केसेस में हम डिवाइड करते हैं, एक केस नंबर 1 बोलते हैं, एक केस नंबर 2 बोलते हैं। आप नोट करना चाहेंगे तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, और इसको नोट करके ही आपको वो पूरा प्रोविजन एक जगह पे क्लियर हो जाएगा, आपको इससे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब केस नंबर 1 है, अगर फ्रॉड अमाउंट जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का अमाउंट है फ्रॉड अमाउंट इज मोर देन और इक्वल टू ₹1 करोड़, जो अमाउंट है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक सर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़। और केस नंबर 2 क्या है सर हमारे पास, कि फ्रॉड अमाउंट जो है इज लेस देन ₹1 करोड़, जो फ्रॉड अमाउंट है सर वो 1 करोड़ रुपए से कम है, बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 करोड़ ही अपने आप में सबसे ग्रेटर अमाउंट है, जो भी अमाउंट होगा फ्रॉड का वो 1 करोड़ से कम ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सर। अब हम बनाते हैं सर रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं, और सारे सेक्शंस को रूल को एक साथ क्लब कर देते हैं। जब सारे सेक्शंस और रूल्स एक साथ क्लब होते हैं तो हमारे सामने सर सिचुएशन नंबर 1 आती है। क्या आती है सर? सिचुएशन नंबर वन आती है सर हमारे सामने, और सिचुएशन नंबर 1 हमसे क्या कहती है सर कि अगर फ्रॉड इन्वॉल्व्स है, पहला केस है सर फ्रॉड इन्वॉल्व्स ₹1 करोड़ और अबव, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में अमाउंट इन्वॉल्व है सर वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। बिल्कुल ठीक सर, ध्यान से देखिएगा, ऐसे केसेस में ऑडिटर क्या करे सर? ऑडिटर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट करें। किसको रिपोर्ट करें? अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड को। ऑडिट कमेटी बनती है सर अंडर सेक्शन 177, ये आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो प्लीज़ आप नोट करिएगा कि जो ऑडिट कमेटी बनती है वो कहाँ बनती है, सेक्शन 177 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो उस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करिए, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर बोर्ड को रिपोर्ट करिए। बोर्ड तो होगा ही होगा, क्या करेंगे सर आप यहाँ पे? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, यहाँ पे आप फ्रॉड की रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। क्या बात समझ में आ रही बेटा? क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल कर दें। लेकिन सर कितने दिन के अंदर करेंगे? तो बोला गया विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर ऑफ हिज नॉलेज ऑफ फ्रॉड। जैसे ही ऑडिटर को इस फ्रॉड के बारे में पता लगेगा 2 दिन के अंदर अंदर आप क्या करिए? रिपोर्ट करिए। किसको? बोर्ड को, नहीं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की अगर ऑडिट कमेटी तो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करिए, ठीक सर। अच्छा हम जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम रिपोर्टिंग करने का मतलब एक तरीके से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि ऑडिट कमेटी बोर्ड हमको इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के बारे में पता लग रहा है, आप इस पर कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो दे दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, हम इस उम्मीद से ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कर रहे हैं, सीकिंग रिप्लाई, हम रिप्लाई चाहते हैं सर या ऑब्जर्वेशन चाहते हैं
कि इस पे बोर्ड का या ऑडिट कमेटी का क्या कहना है, ऑफ बोर्ड और ऑडिट कमेटी, कि उनका क्या कहना है, और ये मार्क करिएगा विद इन 45 डेज, कि हम उनको 45 दिन का टाइम दे रहे हैं सर, 45 दिन के अंदर अंदर हमको जवाब दें। बोलो बेटा पहले यहाँ तक बताओ, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ये प्रोविजन क्लियर है? और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। क्या बोला जा रहा है कि एक ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड या ऑडिट कमेटी, अगर ऑडिट कमेटी तो ऑडिट कमेटी, नहीं तो बोर्ड, इनको रिपोर्ट करेगा फ्रॉड के बारे में 2 दिन के अंदर अंदर, जब उसको फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के बारे में पता लगेगा, इस उम्मीद से कि अब वो पर्टिकुलर कंपनी का बोर्ड या ऑडिट कमेटी उनको रिप्लाई दें कि वो इस पर्टिकुलर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कंपनी को यहाँ पर बोर्ड को या बोर्ड की जगह पर ऑडिट कमेटी को यहाँ पर 45 दिन का टाइम दिया गया, 45 डेज का, कि वो यहाँ पर रिप्लाई दें। सर अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी वन ये हो सकती है सर कि बोर्ड ने जवाब दिया या ऑडिट कमेटी ने जवाब दिया, या पॉसिबिलिटी टू भी हो सकती है सर कि शायद जवाब नहीं भी आया। तो एक पॉसिबिलिटी वन पहले हम बात करते हैं सर, एक तरफ अगेन ऑडिटर और एक तरफ अगेन बोर्ड, या शॉर्ट में लिख दूं ऑडिट कमेटी, चलेगा? चलेगा सर, एक तरफ ऑडिटर एक तरफ बोर्ड। और अब हम ऐसे बोल रहे हैं सर कि बोर्ड या ऑडिट कमेटी ने रिप्लाई दे दिया, इसको रिप्लाई दे दिया ऑडिटर को, रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड। कितने दिन के अंदर आया होगा सर? बट ऑब्वियसली बात है ये तो विद इन 45 डेज ही आया होगा। कितने दिन में आया होगा? विद इन 45 डेज। ऊपर 45 डेज का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहां पे हमको अलग से वापस से करने की जरूरत नहीं है। सर अब रिप्लाई आ गया, अभी पहले इस पॉसिबिलिटी वन को ही कंप्लीट कर लेते हैं। रिप्लाई आ गया सर, अब ऑडिटर क्या करे? सर अब ऑडिटर क्या करेगा? अब ऑडिटर इस चीज़ की रिपोर्टिंग करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस चीज़ की रिपोर्टिंग करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्टिंग की जा रही है सर, वो फ्रॉड के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का है, इसलिए हम CG को इसके बारे में बताएंगे। सर जब हम CG को इसके बारे में बताएंगे तो क्या क्या बताएंगे? तो 3 चीज़ें के बारे में बताएंगे सर। एक तो हम रिपोर्ट भेजेंगे, ऑडिटर क्या भेजेगा? रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर, अपनी एक रिपोर्ट भेजेगा। उस रिपोर्ट में इस चीज़ के बारे में मेंशन करेगा सर कि यस हाँ ऐसा कुछ हुआ है सर, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है जिसके बारे में उसने डिटेक्शन किया। सेकंड नंबर पे सर जो रिप्लाई आया या जो ऑब्जर्वेशन आई है, किसकी रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन? ऑफ बोर्ड और ऑडिट कमेटी, जो भी रिसीव हुई है सर, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट की कॉपी भी भेजेगा और उसके रिप्लाई की भी कॉपी भेजेगा। ठीक सर, पॉइंट नंबर सी, साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी देगा सर, कमेंट्स ऑफ ऑडिटर, कि उसका क्या मानना है, उसका क्या कहना है उस रिप्लाई पे, उस रिपोर्ट पे, वो सारी बातें बताएगा, अपने कमेंट्स के बारे में बताएगा। ठीक सर, ये सब कुछ वो कितने दिन के अंदर करेगा सर? ये सब कुछ वो करेगा विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन ऑफ बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी। बिल्कुल ठीक सर। सर यहाँ पे ऑडिटर CG को क्या भेज रहा है सर? रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर भेज रहा है, वो रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन की कॉपी भी भेज रहा है जो ऑडिटर को रिसीव हुई है बोर्ड या ऑडिट कमेटी से, और उस पर अपने कमेंट्स भी भेज रहा है, ऐसे एरो बना देते हैं, कमेंट्स भेज रहा है कि जो रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन आया है बोर्ड या ऑडिट कमेटी का, उस पर ऑडिटर का क्या कहना है। और साथ ही साथ ये सारा काम वो कितने दिन के अंदर करेगा? 15 दिन के अंदर। 15 दिन कहाँ से स्टार्ट होंगे सर? जिस दिन उसको रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा बोर्ड या ऑडिट कमेटी का। जवाब देंगे जरा फटाफट से, तुम लोग को सब चीज़ समझ में आ रही है बेटा? हाँ जी, फटाफट से सब लोग बताएंगे जरा। अच्छा ये भी बता देना, नोट वोट कर लिया है ना? नोट कर रहे हो ना? समझ लो बिल्कुल एकदम मस्त चीज लिख रहे हैं हम लोग, इतनी बढ़िया कि एक ही बार में सर हमको समझ में आ जाएंगी। ठीक है चलो, फिर आती है हमारे सामने सर पॉसिबिलिटी टू। कौन सी पॉसिबिलिटी आती है? पॉसिबिलिटी टू। जब हम पॉसिबिलिटी टू की बात कर रहे हैं सर, तो अगेन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगेन ऑडिटर है सर, इधर बोर्ड है, और बोर्ड के साथ ऑडिट कमेटी है, ऑडिटर और बोर्ड और ऑडिट कमेटी, और कह रहे हैं सर रिप्लाई आ रहा है, लेकिन
पॉसिबिलिटी वन में रिप्लाई आ रहा था, पॉसिबिलिटी टू में रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन नॉट रिसीव्ड, रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन रिसीव नहीं हुआ। कितने दिन के अंदर आना चाहिए था सर? विद इन 45 डेज, लेकिन 45 दिन पूरा इंतज़ार किया बट बोर्ड और ऑडिट कमेटी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। चलो सर, कोई रिप्लाई नहीं आया, 45 दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। अब ऑडिटर क्या करें? अब क्योंकि जवाब तो आ नहीं रहा तो ऑडिटर कह रहा है 45 दिन बीत गए, हमने तो अपना पूरा टाइम वेट किया, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में बताएंगे। वो ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या भेजेगा? पहले नंबर पे तो अपनी रिपोर्ट ही भेजेगा, रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर। सेकेंड नंबर पे, क्योंकि रिप्लाई तो आया नहीं तो रिप्लाई की कॉपी तो जाएगी नहीं। अच्छा, जब रिप्लाई नहीं आया तो उस पर कमेंट्स भी नहीं जाएंगे, लेकिन एक नोट जरूर जाएगा सर। नोट किस चीज का? नोट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ हिज रिपोर्ट सेंट टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड रिगार्डिंग विच नो रिप्लाई रिसीव्ड। जो रिपोर्ट उसने भेजी है बोर्ड और ऑडिट कमेटी की, उसके रिगार्डिंग एक नोट बना के देगा कि सर हमने तो इनको भेजा था बट इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। सर ये कितने दिन के अंदर अब ये काम होगा? सर वैसे तो पीछे देखा था पॉसिबिलिटी वन में कि जब 45 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ गया था तो वहाँ से 15 दिन, अब यहाँ तो रिप्लाई आया नहीं तो 15 दिन एक्सपायर होने के बाद के 15 दिन में ये काम होएगा, 45 दिन एक्सपायर होने के बाद में ये 15 दिनों में काम होएगा। तो विद इन 15 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, तो 45 दिन एक्सपायर होने के बाद अगले 15 दिनों के अंदर ऑडिटर ये काम कर देगा। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर मैं एक जगह इसको समराइज करूँ तो देखो आपकी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा सर, छोटा दिख रहा होगा लेकिन एक जगह आपको समझ में आ गया है कि दोनों में हम लोगों ने कैसे कंपैरिजन किया। बोलो बेटा, कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ बताइए। डेज, टाइम लिमिट ये सब मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अभी एक पॉइंट और रहता है सर इसमें, दोनों पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन सेम ही पॉइंट होगा ये, हमको अलग अलग दोनों के लिए नहीं लिखना होगा, हमको अलग अलग दोनों के लिए नहीं लिखना होगा सर। हम लोग देखिए क्या लिख रहे हैं सर, मैनर ऑफ सेंडिंग रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि किस मैनर में हम ये पर्टिकुलर रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। तो एक तरफ आया ऑडिटर और ऑडिटर ये रिपोर्ट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको मिलेगी ये रिपोर्ट? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को ये पर्टिकुलर रिपोर्ट एड्रेस की जाएगी। पहली चीज सर, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो होगी इट शुड बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर, और उस लेटर हेड में सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक टेलीफोन नंबर, एड्रेस, नेम ऑफ द ऑडिटर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सर। सेकेंड नंबर, ये जो रिपोर्ट होगी इट शुड बी साइंड बाय ऑडिटर, ये साइन होनी चाहिए सर ऑडिटर द्वारा, साइंड बाय ऑडिटर कंटेनिंग हिज सील, उसमें उसकी स्टैम्प भी लगी होगी, कंटेनिंग हिज सील एंड मेंबरशिप नंबर, और उसका उसमें मेंबरशिप नंबर भी डला होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल सर। थर्ड नंबर, सील्ड कवर पैक में ये पर्टिकुलर रिपोर्ट भेज दी जाएगी, किसको? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को, सील्ड कवर पैक में चली जाएगी सर। फिर सर, ईमेल भी भेजिएगा, मतलब ये रिपोर्ट की हार्ड कॉपी तो आप भेज ही देंगे, आप एक ईमेल भी भेजिएगा इन कन्फर्मेशन ऑफ रिपोर्ट सेंट बाय पोस्ट। जो रिपोर्ट आपने पोस्ट से भेजी है उसकी कन्फर्मेशन आप दीजिएगा किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू, कि आपने ये रिपोर्ट इस टाइम भेज दी है सर। जो ये रिपोर्ट का फॉर्म होगा सर, ये किस में होगा? ADT 4 में सर ये रिपोर्ट जाएगी। बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ पे सर हमारी सिचुएशन नंबर वन कवर होती है कि किस तरीके से एक ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट रिपोर्ट कर रहा है 1 करोड़ या उससे ज़्यादा के अमाउंट के फ्रॉड को टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने लगभग समझ लीजिए कि 1 घंटे का काम अभी 10 मिनट में ही कर लिया है सर। इसको पूरा सेक्शंस वगैरह से पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता और साथ ही साथ इतनी क्लैरिटी से समझ में भी नहीं आता। अभी मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा अभी। लेकिन सर यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ सर। क्यों? क्योंकि काम इसलिए ख़त्म नहीं हुआ सर क्योंकि अभी सिचुएशन 2 बाकी है। लेकिन सिचुएशन 2 में इतना टाइम नहीं लगेगा सर क्योंकि सिचुएशन 2 छोटी है और ये क्या कहती है, फ्रॉड इन्वॉल्व्स लेस देन ₹1 करोड़। जो फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ रुपये से कम है। लेकिन सर रिपोर्टिंग तो अभी भी होगी लेकिन अब सीजी के पास रिपोर्टिंग नहीं होगी। अब या तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कमेटी होगा तो ऑडिट कमेटी के पास, ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड के पास। इन्हीं को इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में बताया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सर यहाँ पर ऑडिटर बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को तो बताएगा लेकिन सीजी को रिपोर्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब ऑडिट कमेटी को इसके बारे में बताया जाएगा या बोर्ड को इसके बारे में बताया जाएगा तो उसके बाद का प्रोसीजर ज़्यादा थोड़ा सा बोर्ड रिपोर्ट में इसकी डिस्क्लोजर्स चले जाएंगे, उससे स्टेक होल्डर्स को पता लग जाएगा। तो अगेन ऑडिटर विद इन 2 डेज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ फ्रॉड, जैसे ही फ्रॉड की नॉलेज होगी ऑडिटर को उसके 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्टिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड होगी 2 दिन के अंदर अंदर। क्या होगी? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड में सर कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे पहले नंबर पे नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा फ्रॉड सर कि किस तरीके का फ्रॉड हुआ है अलॉन्ग विद द फुल डिटेल्स पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। ये भी बताया जाएगा सर कि अप्रॉक्सीमेटली क्या अमाउंट इन्वॉल्व रहा उस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और पॉइंट नंबर सी पार्टीज इन्वॉल्व कि इस पर्टिकुलर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो ऑडिटर यहाँ पे 3 चीज़ें बता रहा है सर, रिपोर्ट कर रहा है ऑडिट कमेटी को कि एक तो नेचर बताइए कि फ्रॉड कौन से नेचर का है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट भी बताइए कि कितना पैसा उस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और कौन कौन सी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी डिटेल्स भी आप हमको प्रोवाइड करें। बिल्कुल ठीक बात है सर। ऑडिटर ने बोर्ड कमेटी को ये सारी चीज़ें बताई रिपोर्ट की और साथ ही साथ उसको ये भी बोला कि आपको डिस्क्लोज करना होगा। क्या करना होगा? डिस्क्लोज करना होगा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में इस चीज़ों के बारे में, बोर्ड रिपोर्ट में इन चीज़ों के बारे में सर आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। किन चीज़ों के बारे में सर? पहले नंबर पे वही नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन बताइए, एक्सप्लेन करिए, डिस्क्लोज करिए। दूसरे नंबर पे अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसके बारे में बताइए। पार्टीज इन्वॉल्व, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बताइए। और यहां पे पार्टीज के नाम तब बताइएगा इफ रेमेडियल एक्शन इज नॉट येट टेकन, अगर लेट से उनको नौकरी से निकाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बस ये बता दीजिए कि एक्शन ले लिया गया है, आपको पार्टीज के नाम यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिए तो पार्टी के नाम बताइए, और अगर रेमेडियल एक्शन ले लिए हैं तो रेमेडियल एक्शन जो लिए हैं उनके बारे में बता दीजिए, रेमेडियल एक्शन टेकन। बोलो बेटा ये चीज़ें हमको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा ये हो गई सर सिचुएशन नंबर 2 जहां पे जो आपका अमाउंट ऑफ फ्रॉड है वो 1 करोड़ रुपए से कम। बिल्कुल सर, कुछ छोटे छोटे से 2-3 प्रोविजंस और हैं सर जो बिल्कुल कॉमन है इन दोनों के लिए, मतलब सिचुएशन 1 हो या सिचुएशन 2, कुछ 2-3 प्रोविजंस हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं यहीं पे।
चलो इसी के नीचे लिखवा देता हूँ, ऐसे लिखते हैं कॉमन प्रोविजंस, एप्लीकेबल टू सिचुएशन वन एंड सिचुएशन टू। तो कॉमन प्रोविजंस बताने हैं सर, वो कॉमन प्रोविजन जो सिचुएशन वन में भी लगेंगे, सिचुएशन टू में भी लगेंगे। जैसे सर जो ये प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल होंगे, ये पूरे के पूरे प्रोविजंस जो ऊपर फ्रॉड के रिपोर्टिंग के आप प्रोविजंस पढ़कर आए हैं ये एप्लीकेबल हैं टू कॉस्ट ऑडिटर ऑल्सो एंड टू सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑल्सो। कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी एप्लीकेबल है और सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे तो सेक्शन 148 लगेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऊपर होंगे तो सेक्शन 205 लगेगा। कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट के टाइम पे इसको यूज करेगा और सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट के टाइम पे इसको यूज करेगा। कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट अकाउंटेंट होगा और सेक्रेटेरियल ऑडिटर एक कंपनी सेक्रेटरी होगा। बहुत बढ़िया बात। फिर सर दूसरी चीज, फाइन फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया, फाइन फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया तो क्या होगा? यहां तक ठीक है बेटा सब कुछ? फटाफट से बता देंगे जरा एक बार, कोई भी डाउट लगता होगा तो प्लीज। और इसके बाद सर हमारा ये सेक्शन 143 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम रुपीस 1 लाख का फाइन, मैक्सिमम रुपीस 25 लाख का फाइन। बस फटाफट से सब लोग नोट कर लेंगे एक बार जरा। अभी मैं आ रहा हूं बेटा आपकी आपके नॉन कंप्लायंस पे आ रहा हूं अंशिका, एक मिनट रुक जाइए बस। ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है सर, आशु बोलते हैं सेक्शन 204 या 205? 205 है बेटा, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड 205 में है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड 205 में है सर। ठीक है सर, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड 205 में है सर, बिल्कुल ठीक सर। हाँ अब रुक जाइए, बस यहीं पे आइए। आपकी बुक्स में, बस मैंने आपको इसीलिए नोट करवाया बेटा, जिनके पास मेरी बुक्स होंगी उसमें शायद एक अमेंडमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैंने ये लिखवाया। अगर आपकी बुक्स में ये फाइन 1 लाख और 25 लाख लिखा हुआ है तो इसको चेंज करेंगे आप, इसको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। शायद आपके मॉड्यूल में भी, कुछ बच्चों के पास पुराना मॉड्यूल होगा तो उस पुराने मॉड्यूल में भी 1 लाख और 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगी होगी, तो उसके अमाउंट को आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बिल्कुल सर, और यहाँ पे अब हम क्या बोल रहे हैं सर कि यहाँ पे लग रही है पेनल्टी, यहाँ पे क्या लग रही है बेटा, पेनल्टी। बेटा रुक जाओ अंशिका, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। यहाँ पे लग रही है पेनल्टी, और पेनल्टी किस पे लग रही है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनके ऊपर लग रही है। अगर कोई ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करता तो फिर पहले नंबर पे इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी, अह
रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड का कंसेप्ट चैप्टर 7 में ऑडिटर पर जो दिया है और सेक्रेटेरियल ऑडिटर का, हाँ बिल्कुल सेम लगेगा। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी पेनल्टी है सर 5 लाख रुपए, लेकिन लेकिन इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, और जब एनी अदर कंपनी यहां पे आएगा तो यही पेनल्टी हो जाएगी 1 लाख रुपीस। तो जिसके पास पुराने प्रोविजंस नोट हो, प्लीज 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 आप उन प्रोविजंस को अमेंड कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये ऊपर वाले प्रोविजंस थे जहां मैंने आपको मिनिमम 1 लाख और 25 लाख लिखवाया था, ये पुराने प्रोविजंस थे, इस वजह से मैंने लिखवा के कटवा दिया है, जिससे कि अगर किसी के पास पुराने प्रोविजंस हो तो वो अमेंड कर लेगा। ठीक है अंशिका, आपका डाउट क्लियर है? आशु आपका डाउट क्लियर है? प्रगति आपका भी डाउट क्लियर है? दीपिका आपका भी डाउट क्लियर है? ठीक है, देख लो कुछ पूछना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, अभी बता दीजिए अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो। ठीक है, फटाफट से सब लोग बताएंगे तो सर हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो अभी देखो ध्यान से, हम लोग ऊपर एक कंसेप्ट कर आए कि सर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एक होनी चाहिए, और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का एक काम होना चाहिए सर कि ये सारी चीज़ें ध्यान से हमको समझनी होंगी। एडीटी फॉर्म फाइल सीजी को ही होगा बेटा, एडीटी 4 फाइल में रिपोर्ट ही जा रही है तो उसमें वो सीजी को ही जाएगी। यस सर, क्या सेक्शन 25-17 जो बॉक्स में दिए हैं, कौन से बॉक्स में दिए? नहीं बेटा कुछ नहीं करना, ठीक है सर, बस इतना ही करना है बेटा। एक क्वेश्चन लास्ट आपसे यहां पे और पूछा जाता है सर, कंटेंट ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में देखने को मिल जाती हैं। देखो मैं आपको हेडिंग लिखवा रहा हूँ, लाइक पहले नंबर पे डिफाइन करिए, डिफाइन फ्रॉड, अपने इम्प्लॉयज़ को बताइए, अपने स्टाफ को बताइए, अपने लोगों को बताइए, इंटरनल स्टाफ को बताइए कि एक्चुअल में फ्रॉड है क्या। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफाइन करिए कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं सर, किस तरीके से हमको फ्रॉड का प्रिवेंशन करना है, किस तरीके से हमको उनकी डिटेक्शन करनी है, किस तरीके से हमने उनकी मॉनिटरिंग करनी है, किस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके बारे में बताइए। किसको कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में बताइए। फिर सर कम्युनिकेशन चैनल, अगर किसी को पता लगता है किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के बारे में तो उसके बारे में किसको बताया जाएगा, किसको रिपोर्ट किया जाएगा, टू हूम टू रिपोर्ट, किसके किस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के बारे में, किस सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में किसको बताया जाए। फिर सर योग्य पॉइंट नंबर 1, योग्य पॉइंट नंबर 2, योग्य पॉइंट नंबर 3, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4, डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की तो उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, व्हाट एक्शंस मुड मे हैव बीन टेकन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। और लास्ट में हमारे पास आता है रिव्यूइंग द पॉलिसी, रिव्यूइंग द पॉलिसी पॉइंट नंबर 5, कि इस पॉलिसी को हम टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी आउटडेटेड हो जाए, जिसकी वजह से सर हम इसको कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार पॉलिसी बनाकर छोड़ देंगे, हमको उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करके उसमें मॉडिफिकेशंस करनी होंगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनवायरनमेंट चेंजेस। ठीक सर, तो यहाँ पे सर हमारा ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। दीपिका जो आप बोल रहे हो ना, जो डेफिनेशंस दी हैं वो फ्रॉड की डेफिनेशंस दी हैं, तो ये डेफिनेशंस आपको अलग अलग सेक्शंस की और अलग अलग लॉ की प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेशंस अगर कोई एक नॉर्मल सा फ्रॉड का मीनिंग भी प्रिपेयर करेंगे तो मोर देन इनफ होगा। ठीक है बेटा,
तो ये सर आपके सामने कंटेंट लिखा है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। बिल्कुल सर। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, ऑल दो इतना पूछा तो नहीं गया है, बट एक बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था जिसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ऐसे, वॉट इज रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट। सर ये रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट क्या है, वॉट इज रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम बोलें कि सर ये रेप्यूटेशन रिस्क है क्या, अगर ये हम बोलें कि रेप्यूटेशन रिस्क है क्या, तो सर रेप्यूटेशन रिस्क जो है ना ये अराइज होता है, अराइज ड्यू टू नेगेटिव परसेप्शन। ये जो रेप्यूटेशन रिस्क है सर ये अराइज होता है नेगेटिव परसेप्शन की वजह से। किसकी वजह से? नेगेटिव परसेप्शन की वजह से ऑन द पार्ट ऑफ, ये नेगेटिव परसेप्शन कौन बनाता है? ऑन द पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स, ये स्टेक होल्डर्स इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स डेट होल्डर्स, मार्केट एनालिस्ट, और एनी अदर पार्टी, या इसके अलावा कोई भी अदर पार्टी। तो कह रहे सर रेप्यूटेशन रिस्क का मतलब एक तरीके का ऐसा रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को हार्म पहुंचा रहा है। किसकी इमेज को पहुंचा रहे हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को हार्म पहुंचा रहे हैं। ये ऐसा रिस्क है सर जो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा? गुडविल को अफेक्ट करेगा। सर जब एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में इमेज डाउन होती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट उसकी पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, उसके पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर पड़ता है। लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो आपको अपनी रेपुटेशन को संभाल कर रखना होगा सर, क्योंकि सर अगर एक बार आपकी रेपुटेशन जाती है तो हम ऐसे बोलते हैं लॉस ऑफ रेपुटेशन। एक बार अगर आपकी रेपुटेशन जाती है तो इसके लॉन्ग लास्टिंग डैमेजेस हैं। कैसे डैमेजेस हैं सर? लॉन्ग लास्टिंग डैमेजेस हैं। लॉस ऑफ रेपुटेशन हैज लॉन्ग लास्टिंग डैमेजेस। जैसे इट डिस्ट्रॉयज ब्रांड वैल्यू, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचाता है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड वैल्यू को सर नुकसान पहुंचाता है। स्टीप डाउन ट्रेंड, स्टीप का मतलब क्या होता है सर? सटीक पूरा नीचे, स्टीप का मतलब बिल्कुल नीचे। स्टीप डाउन ट्रेंड इन शेयर वैल्यू, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को डैमेज पहुंचता है सर तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो शेयर प्राइस है, जो आपके शेयर्स के प्राइसेस है, वो धीरे धीरे करके गिरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर मार्केट में जब आपकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है तो हर कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर आपकी कंपनी से पैसा निकालना चाहता है। जब सारे ही लोग आपकी कंपनी से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो सब अपना स्टेक सेल करेंगे। जब सारे ही लोग अपना स्टेक सेल कर रहे होंगे तो मार्केट में परचेजर बहुत कम होंगे, और जो परचेजर होंगे भी तो वो आपके शेयर्स को सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो शेयर प्राइस है वो एकदम से नीचे हो जाएगी। कैन वी से इट डिपेंड्स ऑन गुडविल, लाइक रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क इज डिपेंडेड अपॉन गुडविल? नो नो नो, मतलब हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो गुडविल है वो रेपुटेशन का एक ऑल्टरनेटिव नेम है बस। बिल्कुल सर। थर्ड नंबर, इट र्यून्स, ये बर्बाद कर देती है सर किसको? इट र्यून्स स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप। आपने जितनी भी स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं वो सब की सब बेकार हो जाती हैं सर, और साथ ही साथ आपको ये स्ट्रेटजीज अब वापस से उन लोगों के साथ सेट करनी होती हैं जिनके साथ आपने ये स्ट्रेटजीज पहले बनाई थी। ये भी हो सकता है सर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डैमेज होने की वजह से कुछ लोग जिन्होंने पहले आपके साथ स्ट्रेटजी सेट की थी, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे, वो अब आपसे बाहर हो जाएं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से। साथ ही साथ सर रिक्रूटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है सर, रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ।
रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ एंड रिटेंशन ऑफ ओल्ड एम्प्लॉइज, जो आपके ओल्ड एम्प्लॉइज हैं सर, जो पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका रिटेन होना बिकम्स डिफिकल्ट. ये क्या हो जाता है सर? डिफिकल्ट हो जाता है. इट बिकम्स डिफिकल्ट. क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, क्या आपको ये बात क्लियर है? तो क्या डिस्ट्रॉय करती है सर? ब्रांड वैल्यू डिस्ट्रॉय करती है. यह आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर वैल्यू होती है सर, उसको गिरा देती है. शेयर वैल्यू गिरा देती है. यह आपकी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को रियून कर देती है, बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है. जो रिक्रूटमेंट है सर, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. रिक्रूटमेंट या रिटेंशन क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है. बिल्कुल सर. तो ये है सर आपका रेपुटेशन रिस्क का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. अच्छा, हम ऐसे कहते हैं क्योंकि देखिए, आप अलग 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 सेक्टर को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को ये इफेक्ट डालता है, इसीलिए हम बोलते हैं सर इसको मल्टी डायमेंशनल रिस्क है. कैसा रिस्क है? मल्टी डायमेंशनल रिस्क है सर. मल्टी डायमेंशनल का मतलब एक जगह होगा तो सबको नुकसान पहुंचाएगा. रेगुलेटरी रिलेशनशिप इज डैमेज, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है सर, क्योंकि जब आपकी मार्केट में रेपुटेशन डाउन होती है तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपके अगेंस्ट अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रुख अपना लेती हैं, जिसकी वजह से रेगुलेटरी रिलेशनशिप जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो सकती हैं. बिल्कुल पॉसिबल है. सर, रेपुटेशन रिस्क ना हो, इसके लिए वॉट स्टेप्स शुड बी टेकन? तो हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजिंग रेप्यूटेशनल रिस्क, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि रेप्यूटेशनल रिस्क को मैनेज करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, लाइक हम किस तरीके से इन पर्टिकुलर रेप्यूटेशनल रिस्क के को मैनेज कर सकते हैं. तो पहले नंबर पर, इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो बोर्ड है वो टाइम टू टाइम इस चीज पे निगरानी बना के रखे, तो देर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रेपुटेशनल रिस्क अराइज ही ना हो. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मार्केट में इमेज ख़राब हो रही होती है सर, तो हमको तुरंत के तुरंत उस इमेज को रिपेयर भी करना होता है. अगर हमने उसको तुरंत के तुरंत रिपेयर नहीं किया तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है. लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट कितना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है सर? आपके बिजनेस को जीरो कर सकता है, आपके बिजनेस को खत्म भी कर सकता है. इसी रीजन की वजह से हम ऐसे कहते हैं सर कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पे थोड़ा सा भी डेंट पड़ा है तो तुरंत के तुरंत आप उसको रेमेडी, उसके लिए तुरंत एक्सरसाइज करो, तुरंत उसका कंट्रोल करना शुरू करो, उसकी उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म करना शुरू करो. अगर आपने तुरंत उसको रिपेयर नहीं किया तो इन दैट सिचुएशन वो लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट डाल के जाएगा. ठीक सर. सेकेंड नंबर, इमेज बिल्डिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट करिए सर उन लोगों के साथ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेगेटिव इमेज मार्केट में फैला रहे, उनसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करिए, जिससे कि उनसे कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, जो गलत फहमियां हैं, जो र्यूमर्स हैं, उनको खत्म किया जा सके. और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे सर, तभी आपकी ये इमेज वापस से बिल्डअप हो पाएगी. बिल्कुल ठीक सर. स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स. इंटरनली आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन पे निगरानी बना के रखनी होगी सर, कि जो आपका इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से इन चीज़ों को इवैल्यूएट करता है. इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस. आपकी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, आप उसको इवैल्यूएट करिए. इससे आपको पता लगता है सर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म कर रही है. इवैल्यूएशन करके हमको ये भी पता लगता है सर कि किसकी गलती की वजह से शायद ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ये रेपुटेशनल रिस्क झेलना पड़ रहा है. बिल्कुल पॉसिबल है सर. फिर सर एक लास्ट पॉइंट आया, हम लोग पांचवा पॉइंट कंप्लीट करते हैं सर. प्रमोटिंग कंप्लायंस कल्चर टू हैव गुड गवर्नेंस. सर, एक प्रॉपर कंप्लायंस कल्चर को फॉलो करिए, जैसे कि कंप्लायंसेस पूरे टाइम पे हों, सारे के सारे कंप्लायंसेस हों, कोई भी कंप्लायंस अनटच ना रह जाए,
तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बेटर इमेज बना पाएंगे, अदरवाइज आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को डैमेज पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये है सर आपका रेपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ सर आपको ये बात समझ में आ गई। तो आपके सर दो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए, एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया और एक रेपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बोलो बेटा, क्या यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा सब क्लियर है आपको? हाँ जी, बात तो करो यार तुम लोग मेरे से। और बताओ, छोड़ो तुम टेंशन पढ़ाई की, और बताओ सर क्या चल रहा है? सर सब बढ़िया है ना, जिंदगी में कोई टेंशन तो नहीं है ना सर? पढ़ाई के अलावा कोई टेंशन तो नहीं है? दीपिका कहती है सर रिस्क हैंडलिंग में और जो रिस्क मिटिगेशन में पॉइंट्स दिए हैं सर उन दोनों के मतलब सेम है? बिल्कुल, आप एज इट इज सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभिषेक कहते हैं सर पढ़ाई चल रही है सर बस। नहीं, पढ़ाई तो चलनी चाहिए लेकिन टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नर्वसनेस तो देखो नॉर्मल है, बट ऑब्वियस ही बात है ये तो ह्यूमन नेचर है सर। एग्ज़ाम आ रहा है, प्रेशर है, नर्वसनेस तो होती है। वैसे एक्चुअल में हम लोग हमेशा, मैं बोलता हूँ आपको कि नर्वसनेस ना हम लोग को एग्ज़ाम से नहीं होती है, हमको एक्चुअल में एग्ज़ाम के रिजल्ट से होती है। और एग्ज़ाम के रिजल्ट से भी ज़्यादा नर्वसनेस इसलिए होती है क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा के रखी होती है, हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे मम्मी पापा लोगों ने, भाई बहनों ने बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाई होती है सर। और उस उम्मीद से हमको डर लगता है सर। इससे डर नहीं लगता कि हम पास होंगे, फेल होंगे, क्या मार्क्स आएंगे, इससे डर नहीं लगता सर। मेन डर हमको लगता है सर इस चीज़ से कि जो लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में या उनको कैसा फील होगा, उस चीज़ से डरते हैं सर हम। तो मेरे को लगता है फिर ऐसी सिचुएशन में सर क्या किया जाए? तो रिश्तेदारों को तो बाहर कर दो, चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे बेकार होते हैं, कुछ तो अच्छे होते हैं सर। लेकिन अब क्या किया जाए सर, बाकी लोग तो घर वाले ही हैं सर, जैसा है अपना ही है सर, क्या करें? तो अच्छे से पढ़े बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो, इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट, ये रिपीट करूं? बोर्ड ओवरसाइट कुछ भी नहीं है बेटा, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो बोर्ड है, अगर वो इफेक्टिवली चीज़ों को कंसिडर करेगा तो देर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि कभी रेपुटेशन रिस्क फेस ही ना करना पड़े। और अगर रेपुटेशन रिस्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हो गया है तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड कि तुरंत उसके इफेक्ट को रिपेयर करना शुरू करें, तुरंत उसके इम्पैक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करें। हाँ, रात कब हो जाती है पता ही नहीं लगता सर, दिन बहुत जल्दी भाग रहे हैं। सही बात है। देखो जो जो मैरिड गर्ल्स हैं और जिनके बेबी हैं उनके लिए तो हैट्स ऑफ, सीरियसली आप लोग जो काम कर रहे हो अभी, जो पढ़ाई कर रहे हो, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। ये सारी चीज़ों को मैनेज करना इट्स हाईली डिफ़िकल्ट, आप ही कर सकते हैं सर, ये हर किसी की बस की बात नहीं है सर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बट वॉट आई यूज़ टू थिंक, मेरे को क्या लग रहा है कि अभी मैं क्या सोच पा रहा हूँ, वो मेरे को लग रहा है कि यार अगर आप इन सारे चैलेंजेस को फेस करके सक्सेस अचीव करते हो ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर शायद आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी रह ही नहीं जाती, फिर एक्चुअली आपने उसको अर्न किया है, मेहनत से अर्न किया है, दूसरे लोगों की कंपैरिजन में 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मेहनत करके किया। और मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। ऑल दो मेरी शादी नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली समझ पा रहा हूँ, बट हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ कि प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है जिनकी शादी हो चुकी होती है ना उनके लिए तो और दिक्कत है, मतलब मायके में भी एक्सपेक्टेशंस है और ससुराल में अलग एक्सपेक्टेशंस है ना, दोनों जगहों की एक्सपेक्टेशंस है। जिनकी शादी नहीं हुई कम से कम उनके घर वालों की खाली एक्सपेक्टेशन है ना ख़त्म, यहाँ तो सर दोनों के रिश्तेदार भी बीच में आ जाते हैं। थक तो जाते हैं, बात तो सही है। युक्ता कहती है सर एंटी करप्शन वाला मैं करवा दूंगा, बेटा टेंशन ना लें आप, टेंशन ना लें आप, मैं आपको तुमको पूरा रिवाइज करवा के सब कुछ करवा के भेजूंगा, बीच में छोड़ के नहीं भेजूंगा, तुम टेंशन ना लो बस। सर इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है सर, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट।
डेट इज ERM, डेट इज ERM, तुम लोग की क्लास लाइव नहीं चल रही क्या? तुम लोग बहुत लेट रिप्लाई दे रहे हो, देखो जरा एक बार, थोड़ा सा पीछे चल रहे हो क्या? आई थिंक सो, शायद आपका लेट रिप्लाई आ रहा है। और इसको बोलते हैं सर एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। ERM एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क सर। सर अगर आप लोगों ने, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऑल दो हम लोगों ने अभी रिवीजन क्लास में नहीं किया, बट कोई बात नहीं सर, हम लोग जब इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर पढ़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें कोसो के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। किसके प्रिंसिपल्स सर? नहीं, 5-6 सेकेंड का तो ज्योति मेरे को भी पता है, 5-7 सेकेंड का तो लैग होता है, बट मेरे को तो ऐसा लग रहा है 1-2 मिनट का लैग चल रहा है। कोसो सर हम पढ़ते हैं, कोसो। कोसो क्या है सर? एक कमेटी है, एक कमेटी है सर, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडवे कमीशन। तो कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडवे कमीशन, इसको बोलते हैं सर कोसो। सर समझिएगा, कोसो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमेटी है, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पैसा लगाते हैं और ये रिसर्च करके अपने लिए एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं। इसी कोसो ने इंटरनल कंट्रोल की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए भी एक फ्रेमवर्क रेडी किया, और इसी कोसो ने रिस्क को मैनेज करने के लिए भी एक ERM की प्रोसेस बनाई, जिसको उन्होंने नाम दिया ERM, एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्यों बोला इसको हम लोगों ने, अभी आपको एक आधे दो मिनट में, दो मिनट में नहीं तो 5-7 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हम इसको इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं सर। इंटीग्रेशन का मतलब वैसे ये होता है दो या दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिला लेना, चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर लेना, एक इंटीग्रेटेड मैनर और एक आइसोलेटेड मैनर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेले और इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सबको जोड़ के। अब सर सबसे पहले ना हमको ये समझना होगा कि ये ERM है क्या, ये इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, और इसकी डेफिनेशन ही सर अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है सर, जो आपको 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है। ERM क्या है यही बताइए बस, और यही पूछे जाने के चांसेस भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर वैसे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ERM क्या है सर। तो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है सर, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस विच इज इफेक्टेड बाय सर, इस पूरी प्रोसेस का जिम्मा 3 लोगों पर है, इफेक्टेड बाय एंटिटीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंटिटीज, मैनेजमेंट एंड एंटिटीज अदर पर्सन्स। कह रहे हैं सर ERM एक ऐसी प्रोसेस है सर जिसमें, जहां पे इट अफेक्टेड बाय, अफेक्टेड का मतलब कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर रिस्क मैनेजमेंट पर किसी का पड़ता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड, उसके मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्टाफ, इनका पड़ता है सर। बिल्कुल सही सर। फिर कह रहे हैं सर ये जो प्रोसेस है सर इसको अप्लाई किया जाता है, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेस है सर इसको अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड इन स्ट्रेटजी सेटिंग्स, स्ट्रेटजी सेटिंग एंड अक्रॉस द इंटरप्राइज, एंड अक्रॉस द इंटरप्राइज।
ये क्या है सर कि सर जो रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस है ये हम ऐसा नहीं है कि एट दी एंड देखेंगे कि रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सर जब स्ट्रैटजी सेट की जा रही होंगी उसी टाइम पर ही हम ERM की प्रोसेस को अप्लाई कर देंगे। रीजन बीइंग जब हम कोई डिसीजन लेने वाले हैं अगर हम उसी टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस को अडॉप्ट कर लें तो उसके जो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। अगर हम ERM की प्रोसेस को थोड़ा सा भी लेट स्टार्ट करेंगे या स्ट्रेटजी सेट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमको बेटर आउटपुट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक सर। दूसरी चीज़ ये सर कि ये जो पर्टिकुलर ERM की प्रोसेस है ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस नहीं है। आपको समझना होगा कि आपको इस प्रोसेस को पूरे एंटरप्राइज में हर एक स्टेप पर इनकॉर्पोरेट करना होगा। ठीक है सर। सर जो ये ERM की प्रोसेस है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट्स, डिजाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट्स दैट मे अफेक्ट द एंटिटी। कह रहे हैं सर यह जो ERM की प्रोसेस है ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो इवेंट्स के बारे में पता लग जाए, ऐसे इवेंट्स के बारे में पता लग जाए जो एक्चुअल में आपके एंटिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रादर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है ये सर जिसके थ्रू हम ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके थ्रू हमको ये पता लग जाए कि वो इवेंट्स नुकसान क्या पहुंचाने वाले हैं या कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क पहुंचा सकते हैं। फिर सर मैनेज रिस्क अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्क एपिटाइट। सर देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क का इंपैक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता हो कि उसके वर्थ के अकॉर्डिंग इतना कैपेबल है कि वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब रिस्क एपिटाइट हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी समझी थी कि वो जो रिस्क का इंपैक्ट है वो ऐसा है कि हम उतना रिस्क झेल सकते हैं, हमको लग रहा है कि अगर इस रिस्क के बाद इतना नुकसान होएगा तो वो नुकसान बियरेबल है, वी कैन मैनेज दैट मच लॉस। लास्ट में आया टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। कह रहे हैं सर एक वर्ड पे फोकस करिएगा, रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का एक टोटली अपोजिट वर्ड होता है सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस, लेकिन यहां एब्सोल्यूट अश्योरेंस की बात नहीं हो रही सर, यहां बात हो रही है रीजनेबल अश्योरेंस की। एब्सोल्यूट अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस में फर्क ये होता है सर, एब्सोल्यूट अश्योरेंस हमको ये बताता है कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, अगर आपने ERM की प्रोसेस अडॉप्ट की तो देर इज 100% चांस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क ना फेस करना पड़े। बट कोई भी थ्योरी सर आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकती, इसीलिए इसने क्लियर कट बोल दिया कि अगर आप ERM की प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो तो देर आर हाई चांसेस, रीजनेबल अश्योरिटी हम आपको दे सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। बट वी कैन नॉट बी 100% श्योर, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो सर हमको लेकर चलनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही सर। ये वैसे एक्चुअल में ERM की मेन डेफिनेशन है सर, जो हम लोगों ने टुकड़ों में बांटी, 5 पार्ट में डिवाइड कर दी सर, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर हम इसकी एनालिसिस की बात करें तो सर हम ऐसे कहते हैं सर कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ऑन गोइंग प्रोसेस है सर। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है सर कि एक बार अप्लाई हुई और कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है सर। एंड इट फ्लोज ओवर एंटिटी, ये पूरी एंटिटी के ऊपर अप्लाई होती है सर, एंटिटी के किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर नहीं, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होती है सर। ये जो पर्टिकुलर ERM की प्रोसेस है ये स्ट्रेटजी सेटिंग के टाइम पर यूज की जाती है।
जब स्ट्रैटेजी सेट की जा रही होंगी उसी टाइम पर हम इनका यूसेज करेंगे, क्योंकि अगर हमने बाद में इनको यूज़ करने की कोशिश की तो इसका आउटपुट जो होगा, जो रिजल्ट होगा, वो इतना अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो हम लोगों ने लिखा ना सर अक्रॉस द इंटरप्राइज, अक्रॉस द इंटरप्राइज का मतलब क्या है सर? अक्रॉस द होल इंटरप्राइज का मतलब क्या है? एट एवरी लेवल एंड एट एवरी यूनिट, हर लेवल पे और हर यूनिट पर सर इसका इम्पैक्ट है। और ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर इससे रीजनेबल अश्योरेंस अचीव करेंगे, हम लोग इससे एब्सोल्यूट अश्योरेंस अचीव नहीं करेंगे। इफेक्टेड बाय एंटिटीज बीओडी मैनेजमेंट अदर पर्सनल का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है सर, ये कौन इंप्लीमेंट करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड इंप्लीमेंट करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेगा, या इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ अलग से स्टाफ अपॉइंट किया है जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को सेट करता है, उसको ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी चीज, ये जो रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस है ये स्ट्रेटजी सेटिंग के टाइम पे यूज हो जाएगी सर। स्ट्रेटजी सेटिंग का मतलब है जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रही होगी, जब आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे होंगे, तब ही ये पर्टिकुलर ईआरएम की प्रोसेस आपको अडॉप्ट करनी होगी। अगर आपने बाद में इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की तो शायद इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ना मिले। फिर सर इसमें एक क्वेश्चन आता है, अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हम कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं अगर हम इस ईआरएम की प्रोसेस को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लें? क्वेश्चन क्या आया सर? अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सर इसकी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं सर। पहला स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, तीसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड चौथा कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि रिपोर्टिंग रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबिलिटी। कंप्लायंस के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि जो भी एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनका अप्लाई होना बहुत जरूरी है। ऑपरेशनल का मतलब है effective and efficient use of resources, जितनी भी resources इस्तेमाल करनी है सर वो effectively और efficiently use हो by the organization, तो ही वो particular organization सही तरीके से काम कर पाएगा, और यही हमारा objective है जो हम achieve करना चाहते हैं। Strategic सर, high level goals should be set, high level goals set करिए सर, high level goals should be set। Along with missions, जो high level goals हैं सर, ये आपके actual में vision होंगे, और आपका जो vision है वो mission के according ही frame किया जाए। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर वैसे तो vision को ध्यान में रखते हुए हमको mission set करने होंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि strategy ऐसे बनाई जाए जहां हमको पता हो कि हम क्या चीज़ achieve करना चाहते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी। ठीक है सर, तो ये आया सर इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड बाय ईआरएम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा इसी पर्टिकुलर टॉपिक का आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम। कंपोनेंट्स का मतलब है सर किन चीज़ों की मदद लेकर हम एक्चुअल में इस ईआरएम की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सर हमारे पास यहाँ पे 8 कंपोनेंट्स आते हैं सर, जिनकी मदद से हम इस ईआरएम की प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। और सर ये 8 के 8 कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, ये 8 के 8 कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होंगे। ये 8 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सर? तो पहले नंबर पे आया इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है सर? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना होगा
कि वो किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करती हैं, वो किस तरीके से रिस्क को समझती है। व्यू रिगार्डिंग रिस्क, व्यू रिगार्डिंग रिस्क एंड अप्रोच, क्या अप्रोच है सर एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट को उतना इफेक्टिवली और इंपॉर्टेंस देती हुई है या नहीं देती। सेकेंड नंबर, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। सेकेंड नंबर क्या आया सर, ऑब्जेक्टिव स्टडी। ऑब्जेक्टिव सेटिंग का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए सर कि व्हाट ऑब्जेक्टिव्स यू आर गोइंग टू अचीव, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, दोनों आपको क्लियर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। थर्ड नंबर सर, इवेंट आइडेंटिफिकेशन। इवेंट आइडेंटिफिकेशन सर, इवेंट आइडेंटिफिकेशन में हम ऐसे कहते हैं कि इवेंट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल इवेंट और एक होते हैं एक्सटर्नल इवेंट। ये इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स जो भी हैं सर, ये इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स आपके लिए रिस्क का भी काम कर सकते हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं। तो इन इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स को हमको असेस करना होगा कि ये हमारे लिए रिस्क हैं या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे। इसीलिए सर हमारे पास चौथा नंबर पॉइंट आया, अगर आपको रिस्क नज़र आए तो तुरंत उसकी असेसमेंट करिए, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब है सर एक तरीके से आप इसकी एनालिसिस स्टार्ट करिए, इसके इम्पैक्ट के बारे में जानिए, इसकी लाइकलीहुड के बारे में जानिए। ऐसे तो आठ में से चार कंपोनेंट जो हमारे सामने हैं वो कौन से, इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, इवेंट आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री एंड पॉइंट नंबर फोर। इसी तरीके से सर और हमारे पास कौन से आएंगे, पॉइंट नंबर फाइव, रिस्क रिस्पॉन्स। रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब है कौन से मिटिगेटिंग फैक्टर्स आप अडॉप्ट करेंगे उस पर्टिकुलर रिस्क को ख़त्म करने के लिए, व्हाट मिटिगेटिंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर रिस्क। रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब हम ऐसे भी बोलते हैं कि हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिस्क, आप उस रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। देन पॉइंट नंबर सिक्स, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब है इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज। कैसी, इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो जरूरी हैं सर आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिस्की इन्वायरमेंट को ख़त्म करने के लिए। पॉइंट नंबर सेवन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पॉइंट नंबर एट, मॉनिटरिंग। सर जो भी प्रोसेस आप अडॉप्ट करोगे रेगुलरली उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट करिए, रेगुलरली उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा, और लास्ट में जो भी स्टेप्स आप उठाएंगे ये पूरी ERM की प्रोसेस को रेगुलरली मॉनिटर करना होगा, क्योंकि कभी भी इसमें हमको चेंज करने पड़ सकते हैं। चलिए सर, क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्या सर आपको ये ERM का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया है। ये है सर टोटल आपका ERM का कंसेप्ट। अब हमारे सामने सर एक कंसेप्ट छोटा सा और आता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बार पूछा नहीं जाता, बट मेरा मानना यह है कि सर शायद एग्ज़ाम में कभी भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अच्छा खासा, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। दैट इज रिस्क मैट्रिक्स, दैट इज रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क असेसमेंट का मतलब है बेटा, हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में बोला था कि जब भी कोई पर्टिकुलर रिस्क आपको आइडेंटिफाई होता है तो आपको उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है। एनालिसिस करके हमको ये पता लगता है सर कि जो पर्टिकुलर रिस्क हमारे ऊपर पड़ने वाला है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कौन से थ्रेट्स वो पर्टिकुलर रिस्क लेकर आ रहा है,
और उसका इम्पैक्ट अगर बहुत हाई इम्पैक्ट है तो हमको तुरंत के तुरंत एक्शन लेने होंगे। लेकिन अगर उसका रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो बहुत हाई नहीं है, बहुत लो है, तो देर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि शायद आपको उतने ज़्यादा एक्शंस लेने की जरूरत ना पड़े, उतने ज़्यादा एक्शंस लेने की जरूरत ना पड़े। अभी देखिए हम लोग जो रिस्क मैट्रिक्स करने जा रहे हैं ना सर, ये एक रिस्क असेसमेंट टूल ही है। ये क्या है? एक रिस्क असेसमेंट टूल है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर रिस्क को असेस कर सकते हैं। सब लोग जरा सामने देखेंगे, सर जो रिस्क मैट्रिक्स होता है ना सर, ये दो चीजों से बनता है। एक हम इसमें एनालिसिस करते हैं इंपैक्ट की, और एक हम इसमें एनालिसिस करते हैं प्रोबेबिलिटी की। देखो वैसे तो जो रिस्क मैट्रिक्स होता है ये 3x3 का भी हो सकता है, 5x5 का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो 3x3 का बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 3x3 का भी मैट्रिक्स बनाकर आएंगे तो काम चलेगा। क्योंकि आपकी बुक्स में मैट्रिक्स दिया नहीं है, लेकिन बिना मैट्रिक्स को पढ़े, बिना ये 3x3 का क्यूब बनाए, आपको शायद इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहले हम समझते हैं सर ये मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते थे मैथ्स में, बट अभी देखिए क्या है सर। चलिए देखिए जरा सामने सर, ये आपके सामने ना मैंने 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनाया। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनाया सर, जहां पे हम यहां बात कर रहे हैं सर, एक्स एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं सर इंपैक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं सर? इंपैक्ट की। और वाई एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं सर प्रोबेबिलिटी की। ऐसे लिखता हूं मैं सर, प्रोबेबिलिटी। और इधर किसकी बात कर रहे हैं सर? इंपैक्ट की। समझिएगा सर, इंपैक्ट का मतलब यह है कि सर जो रिस्क आपके ऊपर पड़ने वाला है वो कितना गहरा नुकसान आपको पहुंचाने वाला है। इसको सर हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, लो इंपैक्ट है, मीडियम इंपैक्ट है या हाई इंपैक्ट है। फिर बोला गया सर अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लो है, मीडियम है या हाई है। अभी मैं इसकी प्रॉपर आपको वर्डिंग्स दूंगा सर कि क्या यूज होते हैं, लेकिन अभी सिंपल मैनर में समझते हैं सर, बहुत सिंपल मैनर में समझते हैं सर। देखो सर, एक इवेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटी, एक इवेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है सर, बहुत हाई। लेकिन सर उसी पर्टिकुलर इवेंट के इंपैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत लो है सर। तो यहां पे एक तरफ आया हाई और एक तरफ आया लो। जो हाई है ये प्रोबेबिलिटी है और जो लो है ये इंपैक्ट है। सर एक रिस्क होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत हल्का है। सर ऐसी सिचुएशन में सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इस रिस्क को झेल ले जाएंगे। इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूं। किस कलर से मार्क कर देता हूं? ग्रीन कलर से। ठीक सर, फिर सेम उसी तरीके से एक पर्टिकुलर रिस्क के फॉल करने की जो पॉसिबिलिटी और इंपैक्ट है वो देखो ध्यान से। पॉसिबिलिटी है सर प्रोबेबिलिटी है मीडियम, लेकिन जो इंपैक्ट है वो बहुत लो है। ये पॉसिबिलिटी, ये इंपैक्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पे तो सर दोनों ही लो हैं, यहां तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। यहां पे सर पॉसिबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम है, इंपैक्ट मीडियम है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम है सर, बहुत कम है,
लेकिन लेकिन पॉसिबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम है, बट इंपैक्ट बहुत हाई है। इंपैक्ट क्या है? बहुत हाई है। इन सारी सिचुएशंस में अगर कहीं भी तुम फॉल कर जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं ऐसे। इन सारी सिचुएशंस में अगर फॉल कर जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर, अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत चांसेस हैं कि वो इवेंट हो जाएगा और उसका इंपैक्ट भी बहुत हाई है सर, ये बड़ी रिस्की सिचुएशन है सर। इंपैक्ट भी बहुत हाई है सर, ये बड़ी रिस्की सिचुएशन है सर। इसको हम लोग रेड कलर से मार्क करते हैं। ये बड़ी रिस्की पोजीशन है सर, दिख नहीं रहा होगा शायद। ये बड़ी रिस्की पोजीशन है सर। अभी मैं तुमको इसको दूसरी तरीके से भी समझाऊंगा बेटा, बस एक मिनट रुक जाइएगा। अभी मैं आपको बहुत सिंपल सी पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, इसलिए जैसे कि आपको एक बार इजीली ओवरव्यू मिल जाए सर हम कर क्या रहे हैं। और यहां पे हम बात करेंगे सर मीडियम, यहां पे भी हम बात करेंगे मीडियम। रिस्क तो है बट इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग येल्लो से रखते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं सर कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस पे है नुकसान की, तो सर यहां पे है। अगर मैं बोलूं सबसे कम पॉसिबिलिटी कहां है, तो कहते सर अगर इन कॉलम में आ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर इन कॉलम में आ रहे हैं सर तो शायद आपको दिक्कत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप रेड कॉलम में आ गए तो समझ लीजिए दिक्कत आने ही वाली है सर, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब देखना सर, जरा ये नोट किया आप लोगों ने सर, जो हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं वो अगर बड़ी से बड़ी भी बनाना चाहते हैं तो सर 5x5 की सबसे बेस्ट सुटेबल मैट्रिक्स होती है, जिसमें जब हम बात करते हैं ना प्रोबेबिलिटी की कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने के चांसेस क्या है, लाइकलीहुड की लिख लीजिएगा, चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट। इसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सर, और मेरे को लगता है आपको ये 5 कैटेगरी एग्जाम में लिखकर आनी चाहिए। वेरी लाइकली, लाइकली, पॉसिबल, अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। अब अगर हम बोलेंगे ऐसे, पॉसिबिलिटी कितनी है चांसेस अकर होने की, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो, ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लाइकली अनलाइकली में कोई डाउट हो तो प्लीज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो प्रांजल, क्या डाउट है बेटा, क्या डाउट था बेटा? और दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं इंपैक्ट की, किसकी बात करते हैं बेटा? इंपैक्ट की। तो इंपैक्ट को हम लोग ऐसे बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट सर, कुछ खास इंपैक्ट नहीं है, है सर लेकिन माइनर सा है, तो इनसिग्निफिकेंट, माइनर, साथ ही साथ मॉडरेट, मेजर, मॉडरेट, मेजर, और लास्ट में आता है सर कैटेस्ट्रॉफिक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अगर आपने आंसर दे दिया तो समझ लीजिए रिस्क मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई। सर एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसके अकर होने के चांसेस बहुत हाई हैं, वेरी हाई, और सर जो इसका इंपैक्ट है वो भी बहुत डेंजरस है, बताओ क्या बोल दें ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन है, यस और नो? ये कॉम्बिनेशन जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, क्या मैं बोल दूं ये सबसे रिस्की कॉम्बिनेशन है? जवाब देंगे जरा फटाफट से, हाँ जी फटाफट से लोग जवाब देंगे कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक इवेंट के अकर होने के चांसेस बहुत हाई हैं और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा मेजर है, बहुत नुकसानदायक इंपैक्ट है, तो सर वेरी रिस्की। लेकिन अगर मैं
अगर मैं बोलूं कि सर अकर होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, और साथ ही साथ अगर उसका इंपैक्ट एनालाइज करें तो इंपैक्ट भी सर बहुत कम है, इंपैक्ट भी सर बहुत कम है। तो क्या बोलेंगे सर? कह रहे हैं सर ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये है लीस्ट रिस्की, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, इग्नोर कर सकते हैं इसको, लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन है ना सर ये वेरी रिस्की, इसको तो इग्नोर किया जा सकता है, कैन बी इग्नोर्ड, लेकिन इसको कांट इग्नोर्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ये है सर मैट्रिक्स इंपैक्ट। इसको हम एक और वर्ड भी देते हैं सर, सिवियरिटी। सिवियरिटी का मतलब होता है कितना सीवियर इसका इंपैक्ट होगा, सिवियरिटी। क्या बात समझ में आ रही बेटा? हाँ जी सर, बोलो क्या आपको रिस्क मैट्रिक्स समझ में आया? एक इसके लिए सर स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग ऐसे कि सर जो रिस्क मैट्रिक्स है ना, रिस्क मैट्रिक्स जो है ना सर, इट इज अ रिस्क असेसमेंट टूल। क्योंकि समझिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि सर जब इंपैक्ट और लाइकलीहुड पता करना होता है तो रिस्क एनालिसिस के स्टेप पे होता है, लेकिन सर जब रिस्क एनालिसिस के स्टेप पे आपने प्रोबेबिलिटी और साथ ही साथ उसका इंपैक्ट पता लगा लिया तो उसके बाद अब आपके पास असेसमेंट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और आपने असेसमेंट के लिए, आपने असेसमेंट के लिए रिस्क मैट्रिक्स के टूल का इस्तेमाल किया, तो हम ऐसे बोलेंगे रिस्क मैट्रिक्स एक रिस्क असेसमेंट टूल है सर। रिस्क मैट्रिक्स क्या है सर? एक रिस्क असेसमेंट टूल है सर, बिल्कुल ठीक सर। Which is used which is used during risk assessment stage of project planning। सर जब आप एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे तो उस टाइम पे आपको इस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करना है, ठीक सर। फिर एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, इट आइडेंटिफाइज एंड कैप्चर्स, इट आइडेंटिफाइज एंड कैप्चर्स द लाइकलीहुड, it identifies and captures the likelihood of project risk and evaluates the potential damage caused by those risks। तो पहले हम लोगों ने बोला कि सर ये एक रिस्क असेसमेंट टूल है जो हम रिस्क असेसमेंट स्टेज पे यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट प्लानिंग के। ये जो पर्टिकुलर रिस्क असेसमेंट टूल है ये हेल्प करता है हमारी आइडेंटिफिकेशन में और कैप्चर करने में किस चीज को, द लाइकलीहुड ऑफ द प्रोजेक्ट, कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अकर होने के चांसेस कितने हैं, एंड उसके डैमेज को इवैल्यूएट करता है जिससे कि हमको पता लग पाए
कि हम एक पर्टिकुलर स्टेप को अडॉप्ट करें या ना करें। अगर आपसे कोई बोलता है कि बेनिफिट्स क्या हैं सर ऑफ रिस्क मैट्रिक्स, तो बहुत सिंपल टर्म्स में हम लोग दो स्टेटमेंट में ये बता सकते हैं सर। वन कैन प्रायोरिटाइज ऑल रिस्क विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीवियरिटी। सर हर रिस्क को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं उसके इंपैक्ट के बेसिस पे, उसके इंपैक्ट को जानकर। सेकेंड, वन कैन अडॉप्ट स्ट्रैटेजी एंड एलोकेट रिसोर्सेस अकॉर्डिंगली। फिर सर हम उसी के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेंगे और रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे, एंड एट द एंड वन विल रिड्यूस या वन कैन रिड्यूस और न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क दैट अकर। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, फटाफट से बताएंगे सब लोग। चलो, आई डोंट थिंक सो कि आपको रिस्क मैट्रिक्स में इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत होगी सर। आई डोंट थिंक सो कि आपको रिस्क मैट्रिक्स में इससे ज्यादा और कुछ भी प्रिपेयर या लिखने की जरूरत है। अगर आप मैट्रिक्स बना सकते हैं सर, तो जरूर एग्जाम में ये 3x3 की मैट्रिक्स बनाकर आइएगा, जरूर से इसको बनाकर आइएगा सर। बताइए क्लियर है सर? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं सर अभी। दैट इज मॉडल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। और मॉडल यहां पर मतलब क्या है सर? इट्स लाइक स्पेसिमेन, इट्स लाइक अ ड्राफ्ट। इट्स लाइक अ स्पेसिमेन और इट्स लाइक अ ड्राफ्ट। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सर आपके अकॉर्डिंग एक स्पेसिमेन तैयार करके दीजिए कि एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, एक स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, एक यूनिवर्सल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी हो सकती है, तो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी या एक यूनिवर्सल पॉलिसी कैसी हो सकती है, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे सर? यहाँ पे सर कुछ दो तीन तरीके की चीजें आती हैं सर, जिनको हम लोगों को एनालाइज करना होगा सर। अगर ये सारे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर पॉलिसी में प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे कि सर इससे बेटर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं हो सकती, इससे बेटर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं हो सकती। अगर मैं बोलूं कि एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के सेक्शंस कैसे कैसे होने चाहिए, सेक्शंस का मतलब कि उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाए, डिवीजन कैसे होना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे सर? देखते हैं इसे जरा। हमको सर पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपिटाइट क्या है। क्या है सर? रिस्क एपिटाइट क्या है? रिस्क एपिटाइट का मतलब क्या है सर? लेवल एंड नेचर ऑफ रिस्क दैट कैन बी एक्सेप्टेबल। लेवल और रिस्क का नेचर बताइए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर सकता है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स। इस पे आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी मेरे को स्टेटमेंट लिखवाना बनता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि क्या है सर। रिस्क एपिटाइट, चलिए हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, समझा था खाली तो लिख लिया हमने। रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स। रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या है सर? मिटिगेटिंग फैक्टर्स या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज।
मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। फिर सर रिस्क प्रोटोकॉल्स, ये क्या है सर रिस्क प्रोटोकॉल्स? तो ये बात कर रहा है सर डॉक्यूमेंटेशन की, ये बात कर रहा है रिस्क रजिस्टर्स की। फिर सर रिस्क स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करेंगे, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड या आपका अप्रोच क्या होना चाहिए एक रिस्क को लेकर। फिर सर एक पॉइंट आता है गवर्नेंस, कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के फंक्शन को अपने इंटरनल कंट्रोल के फंक्शन के साथ बैलेंस करके चलिए, तो ही आप इस पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट के कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कर पाओगे, प्रिस्क्राइब कर पाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सर आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में कम से कम होने चाहिए। अच्छा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही पॉइंट्स ही होने चाहिए, बट दीज आर द की पॉइंट्स जो एटलीस्ट अवेलेबल होने चाहिए सर। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। चलिए सर, तो अभी आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं सर। अभी आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं सर। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्लास में सर फ्रॉड के बारे में कर लिया, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया, रेपुटेशनल रिस्क के बारे में पढ़ लिया, रेपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया, रिस्क मैट्रिक्स पढ़ लिया, रिस्क मैट्रिक्स के साथ एक रिस्क असेसमेंट का कॉन्सेप्ट कर लिया। साथ में हम लोगों ने मॉडल ड्राफ्ट भी पढ़ लिया सर कि एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कि स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। हम लोगों ने रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ फ्रॉड भी कवर अप कर लिया, पूरा सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 कर लिया, और साथ ही साथ हम लोगों ने ERM के पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा सर ये इंपॉर्टेंट, अच्छा जितने मैंने, मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, अगर हम बात करें थर्ड क्लास हमारी चैप्टर की, आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए ना सर, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सर। मेरे को लगता है कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो शायद आपके एग्जामिनेशन पेपर में पूछ लिए जाए, देर आर हाई चांसेस कि एज इट इज आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाए। तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा सर। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक कैरी ऑन करेंगे, तब तक मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा, आप ध्यान रहिएगा। आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा विद आंसर्स भी दूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए कि ये पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है। ठीक है सर, चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। होप सो यू एंजॉयड द सेशन। डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट दिस कमेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा सर। बाकी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। टिल देन नेक्स्ट क्लास के लिए गुड बाय। आज यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सर। बेटा ग्रुप का लिंक शेयर नहीं होगा, आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा। ये नंबर है सर, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, इस पे ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो सर, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।